लक्ष्मण जी और सुनीलम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों ने काफी दौरा किया है। लक्ष्मण जी, ये जो टीवी पर जो चल रहा है, अभी तक कई जगहों से सूचना ये आई है कि अभी तो जाकर के आदेश हुआ है 8/20, 8/25 में कि अब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू की जाए। अलाहाबाद से अमित श्रीवास्तव जी काउंटिंग प्लेस से मेरे साथ जुड़े हुए थे। तब तक टीवी पर 8:03 से सिद्धार्थनाथ सिंह को कई बार पीछे और कई बार आगे दिखाया जा चुका। ये कौन सी आकाशवाणी है जो चैनलों के पास पहुंच जाती है? दूसरी चीज कि आपके आर्यमगढ़ में क्या नतीजा दिख रहा है आपको? देखिए अभिषेक जी, इस समय कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। जब एग्जिट पोल के आधार पर बिना 7,000 सैंपल साइज जो हो, 7,000 के सैंपल साइज पर जी आप 403 विधानसभाओं के वोट प्रतिशत का आंकड़ा देने का आत्मविश्वास रखते हो, तो बिना गिनती के भी जीत मनाने दीजिए ना, उनको कोई बुराई नहीं है। अब सवाल ये है अभिषेक जी कि इस चुनाव में अब जो मतगणना होने वाली है या शुरू हो चुकी पोस्टल बैलेट की, इसको लेकर के बहुत कुछ साख दाव पर है, लेकिन सुबह तो अभी 8 बजे हुई है ना। रात जो जी गुजरी है वो कैसी गुजरी है? जो रात गुजरी है उस रात में जो कुछ भी हुआ है वह बहुत जी त्रासद है। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जनता को सड़क पर उतरना पड़ा, रात भर जागना पड़ा। ये जो जी आत्मविश्वास दरक गया, आप इसकी जीत का क्या करेंगे? एक बहुत प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थान अपने आत्मविश्वास को खोने के चुनाव में इस समय मतगणना कर रहा है। बाकी चुनाव में जीत हार होती रहती है। और बाकी आजमगढ़ क्या है, मैं उसी आजमगढ़ की बात बता रहा हूँ। रात भर फोन आते रहे लोगों के कि यहाँ ये यूपी के वहां के नंबर की जो गाड़ी पकड़ी गई है बनारस की, इसमें 10,000 बैलेट पेपर हैं जो पोस्टल बैलेट होते हैं, ये कौन सा मोशन है? अधिकारी गलती किया है जी, नियम कह रहे हैं अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे। ये मात्र इतनी सी बात है, हमारा बेटवा मर्डर कर दिया, चलो दो थप्पड़ मार के उसको सुधार देंगे, ये सामान्य बात नहीं है। आपने अपराधीकरण जी को सामान्य बना दिया है, ये बहुत त्रासद है। इस बार चुनाव परिणाम देखिए 2-3 घंटे में, 4 घंटे में सब स्पष्ट हो जाएगा। और जी लाभार्थी समूह कितना हावी रहा, नुकसानार्थी समूह कितना हावी रहा, लोग नाराज होके भी किसे वोट। हाँ, मैं वही कह रहा था। देखिए, बहुत कुछ तो बोल चुका हूं, मेरे को बस सिर्फ एक चीज कहना है कि जातीय चश्मा से देख के राजनीति को खाली अब देखना मुनासिब नहीं है। जातियां टूटती हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव आ गए हैं और उनके ऊपर खास तौर से मैं निशाना साधते हुए बोल रहा हूं कि थोड़ा जाति से अब ऊपर उठना पड़ेगा। इकोनॉमिक कास्ट भी एक हो चुका है और वो कास्ट बियॉन्ड कास्ट है, नंबर एक। नंबर दो कि अभी विकास जी कह रहे थे और उनको लाभार्थी अब सिर्फ लाभार्थी पा रहे हैं, मैं नहीं मानता कि सिर्फ लाभार्थी। देखिए, लाभार्थी क्या हिंदू है, हिंदुओं को एक डर समाया गया है मुसलमानों से, और वो एक एंटी मुस्लिम एक मतलब आइडियोलॉजी भी लोगों लोगों में बना है। तो उसमें एक हिंदू है उसको लाभ भी मिल रहा है, वो वहां पर वो जो है एंटी इनकम्बेंसी भी तोड़ रहा है और वो जातीय गठबंधन को भी तोड़ रहा है। हमें नहीं कह रहा हूं यादव की, लेकिन यादव के अलावे किसके ऊपर फाउंडेशन है कि भाई हमको अखिलेश को वोट देना है कि नहीं? क्या अखिलेश ने पिछड़ों को एक करने के लिए, क्या अखिलेश ने अगड़ों को एक करने के लिए कुछ किया अलग से, कॉन्क्रीट कुछ किया कि खाली स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान अपलाना ठिकाना को ले आओ? तो ये हिडन हिंदुत्व जो है, एक मेरे को नेता ने कहा था, मैंने इसका जिक्र भी किया, आपके ही प्रदेश के चुनाव भी लड़े, 6,000 वोट से लीड भी कर रहे थे, अभी 2 मिनट पहले देखा था। उन्होंने कहा कि भाई साहब, इस बार मुझे हम लोगों को एक जो हिंदू है वो चुपचाप वोट कर रहा है और लाभार्थी है अपने क्षेत्र में। उन्होंने कितने लाभार्थियों का एक अलग से सम्मेलन भी बुलाया था। तो ये मुझे लगा कि ये सिर्फ खाली लाभार्थी का वोट नहीं है, खाली हिंदुत्व का वोट नहीं है, लीडर का गैलेक्सी है, रिसोर्सेस का गैलेक्सी है कि नहीं? अखिलेश का कोई गठबंधन भी तगड़ा नहीं था इस बार, शायद उनको बीएसपी से इस बार लड़ना चाहिए था मिलके। अगर इस बार मिलके लड़ते बीएसपी से तो एक अलग मैसेज जाता। लक्ष्मण जी, क्या 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 हालात हैं? क्यों क्यों इतना सब समीकरण उल्टा पुल्टा हुआ? कुछ प्रकाश डालेंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो सतीश जी की बात से शुरू करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे संबोधित करते हुए एक बात कही।
सतीश जी ने कहा कि अब जाति की राजनीति खत्म हो गई, अब जाति से ऊपर उठना होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती तब तो ये बात मैं मान लेता। जाति की राजनीति और मजबूत हुई है। अब ये आप भले कह सकते थे कि समाजवादी पार्टी ने जो जाति की गोलबंदी करनी चाहिए वो नहीं सफल हुई, बसपा जो जाति की गोलबंदी करनी चाहिए वो नहीं सफल हुई, भारतीय जनता पार्टी ने जो जाति की गोलबंदी की है वो सफल हुई है, इसका भी प्रमाण दूंगा। आधी बात हरजिंदर जी ने कह दी सांप्रदायिकता के सवाल पर। जितने भी लोग ये कहते हैं कि सांप्रदायिकता इस चुनाव में मुद्दा नहीं था, शुरुआत में मुझे भी लगता था कि जो भाषा दिखती है, जो चुनावी कैंपेन दिखता है, उसमें एक पक्ष था सत्ता का जो लगातार पहले चरण से सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दे रहा था, लेकिन विपक्ष की आवाज बनकर के अखिलेश यादव सांप्रदायिकता पर बात न करके जनता के सरोकारी मुद्दों पर बात कर रहे थे, पेंशन हो, बिजली हो, जितने भी मुद्दे हो सकते थे, खेती किसानी, शिक्षा, रोजगार, सारे मुद्दों पर बात की, पिछड़ों को हक नहीं मिला, संविधान खतरे में, सारी बात तो उन्होंने कह दी। अखिलेश यादव तो अपनी जमीन पर चुनाव लड़ रहे थे, तो लड़ते हुए अखिलेश यादव तो लीड तो ले रहे थे, क्योंकि बीजेपी की तरह कहीं से उनकी भाषा को वो दब नहीं दिखा। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि सांप्रदायिकता की जमीन पर वोट नहीं पड़ा है, सांप्रदायिकता अब इनबिल्ट हो गई है। सांप्रदायिकता के नाम पर जो एक नफरत, एंटी मुस्लिम सिंड्रोम बनाया गया है, वो हमेशा काम कर रहा है, अब उसको बोलने की जरूरत नहीं है। वो जब 80-20 का नारा दिया जा रहा है तो अंदर अंदर समझ में आ रहा है, गांव गांव जो ये फैला दिया गया कि उन्होंने जो नकेल कस दी है वो किस पर नकेल कसी थी, वो इन्हीं लोगों पर थी, तो ये हमेशा काम कर रही है। और अंततः जाति के आधार पर जब वोट न दे करके बीजेपी की तरफ ओबीसी और एससी का वोट गया है, तो इसकी मैं दो ही वजह मानता हूं। पहली वजह यही सांप्रदायिकता है, पहली वजह यही है कि वो बीजेपी पसंद क्यों आ रही है, उसकी एक वजह वही सांप्रदायिकता हिंदुत्व है, और दूसरी वजह वो है कि जब इस पूरे तबके में एक समूह ऐसा बना है जिसको हम लोग अब तक नेग्लेक्ट कर रहे थे। यहां पर हम अपनी मानते हैं कि यहां हमको ये लग रहा था कि जातीय बोध हावी रहेगा और लोग ये देखेंगे कि तमाम जगहों पर जातीय प्रताड़ना, जातीय अन्याय जो हुआ है उसके आधार पर वो एंटी बीजेपी वोट करेंगे, मगर उनको ये समझ में आ रहा है कि 500 रुपए और 5 किलो अनाज ये बहुत महत्व रखते हैं। इन्होंने इन जातियों के भीतर एक तबके को इतना कमजोर बना दिया है कि वो अब उस पर वोट दे रहे हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। ये दोनों जगह पर हमें अपनी बात कबूल करनी पड़ेगी। आखिरी टिप्पणी कि यह जो कुछ भी चुनाव परिणाम है, अगर इसके बाद देखिए जब हम कोई विश्लेषण कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो टूल होते हैं, एक तो ये कि हाँ देखते हैं कि बीजेपी के लोग गांव में नहीं घुस रहे, किसान आंदोलन हुआ है, जाट बीजेपी से नाराज है जिसको मनाने के लिए दिल्ली बुलाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, तो भाई जातिवादी राजनीति बीजेपी नहीं कर रही थी क्या, चुनाव में टिकट दे रही है, बता रही कि इन जातियों को इतना टिकट दे रहे हैं, जब जब जो सारी जातियों को टिकट देने में आंकड़ा बता रहे तो वो भी कर रहे थे। तो हम एक विश्लेषण इसका करते हैं कि पश्चिम में किसान आंदोलन का असर होगा, पूरब में ओम प्रकाश राजभर का असर होगा, तमाम पिछड़ी जातियों के जुड़ने का असर होगा, इनकी रैलियों में भीड़ आ रही है इसका असर होगा, तो एक विश्लेषण तो हमारा इस आधार पर होता ही है। दूसरा विश्लेषण इस आधार पर भी हमारा होता है कि हम अपनी एक सदिच्छा रखते हैं कि हाँ भाई बीजेपी को हारना चाहिए, हम एक नरेशन बनाते हैं कि हाँ भाई इतना सब कुछ हुआ तब तो जनता वोट नहीं ही देगी, सारा नुकसानार्थी समूह अगर जोड़ ले तो ये बहुमत है, वो बीजेपी के खिलाफ है। हम ये नहीं कह रहे थे कि सारे सपा को वोट देंगे, मैं तो कई बार ये भी बोला कि बसपा भी लड़ेगी, बसपा तो 3-4 सीटों पर आ गई, तो हम तो यहां भी फेल हुए। ये हमारा विश्लेषण होता है, लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं तो फिर पलट जाना बड़ा आसान होता है कि मैं तो तब भी लहर पहचान रहा था, अरे भाई बीजेपी वाले नहीं लहर पहचान रहे थे तो आप कैसे लहर पहचान रहे थे। ये एग्जिट पोल के बाद बदलाव आया, एग्जिट पोल के पहले इतना कॉन्फिडेंट तो कोई नहीं था कि बीजेपी 250 सीटें 300 सीटें ले आ रही, बीजेपी तो ले आ दी, तो अब तो आप पलट के कहिए कि हाँ जाति की राजनीति खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। 5 साल के चुनाव में इतना तेजी से सब कुछ नहीं बदलता, हाँ इतना है कि सपा की राजनीति, बसपा की राजनीति कमजोर हुई है, ये कबूल करेंगे, और इसका विश्लेषण ये पॉलिटिकल पार्टियां करेंगी। जात की अस्मिता बोध खत्म हो गया ये मैं नहीं कबूल करूंगा, क्योंकि उसका फायदा इसमें बीजेपी उठा रही है, एक चुनाव और उठाएगी, दो चुनाव उठाएगी,
फिर ये नए समीकरण बदलेंगे। आपकी सतीश जी इस वाली बात से सहमत हूं कि आर्थिक पक्ष इसमें जुड़ा है और वही आर्थिक पक्ष लाभार्थी समूह बन के बीजेपी को वोट देने में शिफ्ट हुआ, यहां आपसे सहमत हूं। इसलिए क्योंकि इन जातियों के भीतर एक तबके को इतना कमजोर कर दिया गया है कि उनके लिए यही लगता है कि रोटी मिल रही है तो नमक किसका खाया है, मोदी का, इसके नाम पर वोट पड़ गए। इसका विश्लेषण हम कैसे करेंगे? बहुत कॉम्पैक्ट सिचुएशन है। हम बतौर समाज भी जहां फेल हुए हैं ना, वो भी कबूल। अब आखिरी टिप्पणी संजय जी, जब चुनाव अखिलेश यादव मुद्दों पर लड़ रहे थे, विकास जी बैठे हुए हैं, हम लोग किस पर बात कर रहे थे? यहाँ भाई पेंशन का मुद्दा आ गया तो इतने परसेंट तो ये असर करेगा, किसानी का मुद्दा है तो पश्चिम से पूरब तक ये आवारा पशु, खाद कम होना, ये असर करेगा। बेरोजगारों पर लाठी चली, अखिलेश यादव उसको एड्रेस कर रहे हैं, ये असर करेगा। ट्रेन के ट्रेन भर के बेरोजगार जा रहे थे, भाई जाके सब बीजेपी को वोट दे दिए क्या? तो सारे मुद्दे तो एड्रेस किया अखिलेश ने, अगली बार फिर किस मुद्दे पर अखिलेश चुनाव लड़ेंगे? वो कह रहे पिछड़ों का इंकलाब होगा, वो भी नहीं हुआ। ये पॉलिटिकल पार्टियां, मेरे एक सवाल के रूप में इसे रखिए आप लोग, ये पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जब बीजेपी के साथ थे तो पूरा वोट शिफ्ट हुआ, जब सपा के साथ आए तो वोट शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? राजभर की पार्टी आई, किशोर मौर्या आए, पल्लवी पटेल की पार्टी आई, सारी पार्टियां आई, तो ये वोट शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? आरएलडी आई तो किसान आंदोलन का असर क्यों नहीं हुआ? तो मुद्दे सारे थे तो जनता ने वोट किस बात पर दिया? क्यों आप कहेंगे कि सांप्रदायिकता नहीं है? मैं कहूंगा है, वो अनबिल्ड हो चुकी है और लाभार्थी समूह की बात आर्थिक आधार पर एक गैप पैदा कर दी है जिसने 250 सीटें दी है। विश्लेषण करेंगी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी हार का और बतौर समाज हमें भी विश्लेषण करना है कि अंततः ये चुनाव हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया।